गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा हाजिर है इस मंडे मोटिवेशन की सभा में ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। सो दोस्तों, चलिए हमेशा की तरह पहले हम टॉपिक को अनाउंस करते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा डिस्कशन का। और आज का टॉपिक दोस्तों डिस्कशन का है वो ये है कि पेरेंट्स, यू नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा आज का टॉपिक कंट्रोवर्शियल रहेगा। और द टॉपिक पहले अनाउंस करता हूं, तो दोस्तों आज का टॉपिक है द पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, आवर ओन पेरेंट्स कुड बी द मेजर ऑब्स्टेकल्स इन आवर सक्सेस। थोड़ा सा अजीब लगता है और काफी कंट्रोवर्शियल है, तो मैं माफी चाहूंगा जो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, लेकिन सुने और उसके बाद आप अपने आइडियाज टाइप कर सकते हैं, व्यूज टाइप कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं इस टॉपिक पे दोस्तों आगे चलूं, लेट मी एक्सप्लेन कि ये मैंने टॉपिक डिसाइड क्यों किया दोस्तों। तो इसके दोस्तों देयर आर थ्री रीजन दैट आई डिसाइडेड दिस टॉपिक, दैट आवर ओन पेरेंट्स कैन बी मेजर ऑब्स्टिकल्स इन आवर सक्सेस। सो व्हाई आई डिसाइडेड दिस टॉपिक, देयर आर थ्री रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओन लाइफ, यू नो, बिकॉज आई डिड एनालाइज माय ओन लाइफ और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। जैसे मैं अपने गांव में जब रहता था तो मेरे पेरेंट्स कहते थे भाई उनकी जो रीच थी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका था चलो मैं गांव में वहीं आसपास अपना पढ़ूं और अपना बीए वगैरह करूं और उसके बाद अपना जो भी है दैट्स इट। बट आई टुक लिटिल रिस्क एंड वेंट टू अलाहाबाद एंड देन दिल्ली। और वहां जब दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था, यू नो, आई वाज वर्किंग फॉर मोदी जेरॉक्स एंड यू नो नेटवर्क इन दोज कंपनीज। तो क्या हुआ दोस्तों कि मेरी बहनों की शादी करनी थी, तो पापा ने बोला कि बेटा कुछ लोन ले लो कंपनी से और बाद में लोन चुकाते रहना। तो मुझे लगा अगर मैं लोन कंपनी से ले लूंगा, अगर बाय चांस मिलता है, तो फिर क्या हो जाएगा, आई विल बी बाउंड टू यू नो लिव विद देम, यू नो, कि एक साल, दो साल, तीन साल। लेकिन मेरे को क्या था कि आई थॉट मे बी आई चूज अदर ऑप्शन एंड लीव इंडिया एंड गो मिडल ईस्ट और सम अदर कंट्री टू मेक मोर मनी। तो अगर गांव में रहना पेरेंट्स की सुनता शायद गांव में पड़ा रहता, अगर दिल्ली में जाके शायद लोन लिया हो सकता था, लोन ले लिया था पेरेंट्स से कहने से शायद वहीं पे फंस जाता। उसके बाद जब इंडिया छोड़ने का था दोस्तों, जब मैं बहरीन जा रहा था तो हमारे पापा के जो रिश्तेदार, अरे जीजा जी या फूफा जी आप वहां पे बच्चे को यू नो और भी जो जानने वाले, अरे मुस्लिम देशों में भेज रहे हो, पता नहीं वहां पे क्या है, कैसा है, किस तरीके से, ना ये एक डर। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यू नो, और दुनिया जा रही थी, लेकिन उनकी जो सोच थी, अगर मैं मम्मी पापा की सुनता वहां पे तो शायद वहां भी नहीं जा पाता। नॉट ओनली दैट, मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ में नहीं जबकि टेंथ पास किया था मैं, इलेवेंथ में, और हमारे भाई भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, और मैं मामा के यहां से रह के पढ़ता था और हमारी शादी करने को तैयार हो गए थे, तो मैं इलेवेंथ क्लास में गया भी नहीं था, कह रहे मतलब मेरी उस समय उम्र रही होगी 15-16 साल। और उस टाइम पे या यू नो बेसिकली सॉरी आई थिंक आई वाज इन 12th, सो अराउंड 18 साल के आसपास उम्र रही होगी, और मेरी शादी कर देना चाहते थे और मैं घर से भाग करके बाग में आम के पेड़ पे बैठा हुआ था छुप करके जब वो मुझे देखने के लिए आए थे। तो दोस्तों मैं एक, हो सकता है कि मेरी एक अपनी टिपिकल कहानी हो। और उसके बाद फिर अलग अलग मोड़ पे बहुत सारे ऐसे आए जो डिसीजन मैंने खुद लिए, और आज भी इस चीज के लिए मुझे खेद है कि अरे मैंने मम्मी पापा की बात क्यों नहीं सुनी। तो एक तो ये रीजन था कि बहुत सारी जगह पर अगर माँ बाप की सुना होता विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, शायद मैं आज यहां नहीं पहुंच पाता और शायद आपसे ये बात नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों अगर जरा से भी कैन समवन टाइप इफ यू आर एबल टू लिसन मी, प्लीज कैन यू टाइप समवन इफ यू आर एबल टू लिसन मी, so I'll make sure because I have some time problem with the you know the sound, so I want to just make sure that you are listening whatever I'm speaking here. So I'll be really asking someone if you can type yes why that you are able to listen, that'll be really great. Anybody? Okay, Ashutosh ji, thank you very much. तो ये तो मेरी कहानी नहीं, बहुत सारे ऐसे जिसमें कि लगा कि अगर मैं पेरेंट्स की सुनता तो शायद, यहां तक कि जब मैं कनाडा में आ गया और बस गया तो मैं अपने मम्मी पापा को, सबकी खुशी दिली चाहत होती है कि उनको बुलाएं, मैं अपने मम्मी पापा को बुलाया और भाई बहनों को बुलाना चाहता था, जो कि आपको मालूम होगा अगर पेरेंट्स को बुलाते हो तो डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स स्पेशली पापा तैयार नहीं थे उनको भेजने के लिए, लेकिन आज हैं और सब कुछ अच्छा है। तो
हो सकता है कि और फैमिलीज में बच्चों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जिससे लगा कि शायद पेरेंट्स की सजेशन उतनी सही नहीं थी। तो दोस्तों, टॉपिक आज का यह है कि यू नो द पेरेंट्स कुड बी द मेजर ऑब्स्टिकल्स इन आवर सक्सेस। और मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाई आई डिसाइडेड दिस टॉपिक। तो फर्स्ट थिंग, मैंने अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज किया और उसमें लगा कि हमारे पेरेंट्स गलत थे उन डिसीजन पे। अगर उनकी मैं सुनता तो शायद बहुत कुछ खो सकता था, हो सकता अच्छा भी होता, आई डोंट नो। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कि ये मेरे पॉइंट से मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मैं क्षमा चाहूंगा। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा कि क्या हुआ दोस्तों कि कल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो हमारे सीनियर हैं हमारे कॉलेज से, इलाहाबाद से, और यू नो तो उन्होंने बात करनी चाहिए और बात हुई हमसे उनसे, और तो वो डिस्कस करना चाह रहे थे बच्चों के बारे में, तो स्पेशली अपने बेटे के बारे में। तो बेटे ने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्रांच में उसने इंजीनियरिंग की और उसका कैंपस में सिलेक्शन हो गया, अराउंड 7 से 8 लाख का पैकेज मिला दोस्तों। लेकिन बच्चा क्या किया कि बच्चा जो है वो डिक्लाइन कर दिया, वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। और वो क्या किया कि वो था तो एक दूसरी ब्रांच में, लेकिन उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, यू नो द ब्लॉगिंग पे और ऑल दिस यू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल, यू नो इस चीज में उसका इंटरेस्ट था। तो वो एक्चुअली सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर के बाद ही उसका उसमें दिल नहीं लगा, और सेकेंड ईयर से वो केवल पढ़ाई करता था एग्जाम के लिए, एंड यू नो ही पास्ड एंड देन ही गॉट द यू नो जॉब फ्रॉम द कैंपस, लेकिन वो उसकी इंटरेस्ट की फील नहीं थी, एंड फाइनली ही डिक्लाइन, ही डिड नॉट ज्वाइन इट। तो मेरे दोस्त जो हैं हमारे सीनियर्स हमसे बात करने लगे, आई डोंट नो कि वो पसंद करें कि नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो बोले कि राकेश आप उनको समझाएं, बताएं कि देखिए पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें होती। तो हम कहा कि भाई साहब मेन प्रॉब्लम क्या है, समाज की परिवार की प्रॉब्लम तो नहीं? तो सच में प्रॉब्लम वही थी। प्रॉब्लम यह है कि बोलते हैं कि हम लोग गांव से आते हैं उधर मेरठ साइड से, और वहां पे जब अब हम जाते हैं तो हमारा मिला जुला परिवार, तो हमारे चाचा या और लोग बोलते हैं कि अरे यार हमारा वो जो नाती है, हमारा जो ग्रैंडसन है, अब वो इंजीनियरिंग कर लिया है और जॉब कर रहा है। लोग पूछते हैं उसकी शादी के रिश्ते आते हैं, मैं क्या बताऊं कि वो क्या करता है। आप ये बताते हो डिजिटल मार्केटिंग, इनफैक्ट हमारे जो विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे जो सीनियर भाई साहब मेरे कॉलेज, उनको खुद भी ये सब नहीं मालूम है कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये सब क्या होती है। तो वो बोले राकेश मैं आपको देखता रहता हूँ, सब जगह आप होते हो तो आपको आइडिया होगी, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहूंगा और हमारे बच्चे को आप गाइड भी करें। तो दोस्तों उनको मैंने यही समझाया, हम कहा बच्चे को अपनी जिंदगी जीने दें, जो वो कर रहा है उसी का फ्यूचर है। लेकिन आज के पेरेंट्स क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमने देखा हुआ है इतना ड्यूअल स्टैंडर्ड होता है कि ये दहेज की बात ले लें या किसी और चीज को ले लें, जब दूसरे को बच्चों को समझाने की बात आती तो हम सबके पास बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, लेकिन जब अपने खुद बच्चों की बात आती तो मैंने बहुत लोगों को देखा है वो चाहे दहेज लेने की बात हो चाहे और, फिर अपने लिए वो रूल लागू नहीं होता। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में हमें बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। तो वो एक हमारे सीनियर भाई साहब के बच्चे की बात है, तो उन्होंने बोला कि उनको समझाइए कि देखिए आपके माँ बाप हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको कहना मानना चाहिए। हम कहा देखिए भाई साहब मैं बेटे को समझा तो दूंगा आपके, लेकिन पहले आप अपने बेटे से बात कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके अगर बेटे को समझाने लगूं तो उस बच्चे को लगे अरे हमारे माँ बाप हमारी सब बातें बाहर बता रहे हैं। तो पहले उसको आप कॉन्फिडेंस में लें, बच्चे से बात करें। तो दोस्तों दूसरा एक यही नहीं, एक पहला रीजन तो अपनी मेरी खुद की फैमिली मैंने एनालाइज किया, सेकेंड रीजन ये हमारे सीनियर भाई साहब की कॉल थी, उनके बच्चों को गाइड करना था जिसने जॉब को ठुकरा दिया उसने अपने इंटरेस्ट के लिए। हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं दोस्तों कि 3 इडियट जैसी मूवीज देखते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चरें देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, बड़ा अच्छा उनको लगता है। लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए जब अपने बच्चों की बात आती है तो लोग सोचते अरे बच्चे हमारे कहने से शादी करें, बच्चे हमारे हिसाब से जॉब चूज करें, वो फिर अपने लिए रूल लागू नहीं करते। दोस्तों उसमें हम क्या कर बैठते हैं कि अपने रिलेशनशिप को बच्चों से खो बैठते हैं या दूरियां बना लेते हैं और हम अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों वक्त आ गया है, एक समय था कि बच्चों को पेरेंट्स से सीखना है, लेकिन आज की डेट में अभी उस बात पे भी आऊंगा, लेकिन चांसेस ज्यादातर हैं कि पेरेंट्स को बच्चों से सीखने की जरूरत है कुछ एरियाज में, नॉट इन ऑल एरियाज ऑफकोर्स आप पेरेंट्स। और दोस्तों जो तीसरा रीजन मैंने टॉपिक इसलिए लिया कि आपको मालूम होगा, आप देखते होंगे कि मैं बहुत जगह स्पीचेस देने जाता हूं, इंडिया में जाता हूं, इंडिया में मैं यू नो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूं, एमबीए कॉलेज में जाता हूं, तो वहां जब बच्चों से बात करता हूं कि आपने एमबीए क्यों चुना या आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना, बोलते पापा ने बोल दिया। हमका पापा ने क्यों बोला, नहीं पापा के दोस्त थे वो अमेरिका में रहते थे या किसी पर्टिकुलर उसमें रहते थे और हमने चुन लिया। तो दोस्तों
बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं इंडिया में मिलते हैं, यहाँ पे कनाडा में जब जाता हूँ पार्टीज में जाता हूँ सोशलाइजिंग करता हूँ, बोलते हैं राकेश जी अब बताइए बच्चे ने ये कर लिया, आप जॉब के लिए क्या आप सलाह देंगे, या एक छोटा वाला बच्चा है बड़े वाले बच्चे से मैं थक गया हूँ, उसने ये किया था और कोई भी दो साल हो गए कोई जॉब भी नहीं मिली, तो आप छोटे वाले को क्या एडवाइस करेंगे, क्या यू नो क्या उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट है कौन सी लाइन चुनी जाए। तो दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने सुना है बहुत बड़ी हमारे समाज की ये कंसर्न है। और दोस्तों ये मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, तो प्लीज डोंट यू नो विद ऑल ड्यू डिस्क्लेमर कि आप अपना डिसीजन खुद लें, और मैं केवल अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूं कि जो समाज से मुझे मिला, अपने परिवार से मिला, अपने दोस्तों से मिला, और कितना भटके हुए लोग हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारे हमारे बच्चों को, तो उसके लिए मैं कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो पहली बात हमने ये क्लियर कर दी दोस्तों कि मैंने आज का टॉपिक क्यों चुना, होपफुली आई वॉज एबल टू बिल्ड लिटिल ग्राउंड कि हमने क्यों किया। दोस्तों बड़ा अच्छा होगा अगर आप टॉपिक अगर टाइप करें कि क्या ये टॉपिक अच्छा मैंने चुना, कुछ बातें सेंस कर रही हैं मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ अपने आप एक लाइन में दो लाइन में आप ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इस पर आप सुनना चाहेंगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, यस टाइप करें अगर सुनना चाहते हैं, और नो टाइप करें अगर नहीं सुनना चाहते हैं। दोस्तों आप कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए आते हैं कि बिफोर आई गो एनी फर्दर, दोस्तों मैं आप अपने आप से ये पांच सवाल पूछें। आशुतोष पांडे जी थैंक यू वेरी मच। तो आप अपने आप से ये पांच सवाल पूछें। सवाल ये पूछें कि आपका बेटा या बेटी वो ट्वेल्थ पास कर चुकी है और आपसे आके अकेले में मम्मी पापा से आपका लड़का या लड़की पूछती है कि पापा या मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, और ये पांच सवाल आपके बच्चे आपसे पूछते हैं, और सवाल नंबर एक ये है कि वो पूछ रहे हैं पापा मैं ट्वेल्थ के बाद से कौन सा कैरियर चूज करूं, इंजीनियरिंग में जाऊं, मेडिकल में जाऊं, अकाउंटिंग में जाऊं, डेंटिस्ट्री में जाऊं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, आईएफएस बनूं, क्या बनूं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो मैं पांच क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सा कैरियर चूज करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पापा या मम्मी कि आफ्टर आई फिनिश माय एजुकेशन किस टाइप की जॉब मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, प्राइवेट या अगर ऑप्शन है तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, या हमें अपना एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस भी साथ में करना चाहिए और जॉब करनी चाहिए, या तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे अपने बच्चों को। दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि अब जब उसको जॉब भी मिल गई आपके बच्चे को और उसकी उम्र हो गई है 3-4 साल जॉब कर लिया, अब 24-25 की उम्र हो गई है, अब आपसे पूछ रहा है कि पापा मम्मी हमें किस तरीके से लड़की से शादी करनी चाहिए, लड़की के डिस्क्रिप्शन बताइए कि कैसे खानदान से हो, कैसे परिवार से हो, कैसी हो, सामली हो, गोरी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, हाउस वाइफ हो या जॉब कर रही हो। तो आप लड़की के आप अपनी होने वाली बहू के बारे में आप अपने बच्चों को बताएं, बच्चे आपसे खुद पूछ रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन आपके बच्चे पूछ रहे हैं कि किस एज में मम्मी पापा हम किस एज में शादी करें, है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया, और पांचवा बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन हमने एक पांच टिपिकल क्वेश्चन आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पापा सैलरी मुझे जॉब मिल गई है और जॉब में मुझे 10 लाख का पैकेज मिल गया है, अगर आप कनाडा में है तो मुझे 50,000 का पैकेज मिला है, और तो पापा ये जो पैसा एक्स्ट्रा क्यों बचता है हर महीने में जो मेरे पास, उसको क्या करूं, बैंक में डालूं, इन्वेस्ट करूं, स्टॉक खरीदूं, घर खरीदूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं उस पैसे को। तो दोस्तों अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपके खुद बच्चे आपसे आके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये पांच क्वेश्चन आपसे टिपिकली पूछ रहे हैं। पहला, आफ्टर ट्वेल्थ कौन सा कैरियर में चूज करूं। दूसरा, कि एजुकेशन होने के बाद किस टाइप की जॉब चूज करूं। थर्ड, जॉब भी लगी कैसी लड़की चूज करूं। और फोर्थ, कि शादी किस एज में शादी करूं। और आखिरी, कि अपना जो पैसा कमा रहा हूं इसको कैसे इन्वेस्ट और मैनेज करूं। ये पांच क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये क्या कीजिए आप दोस्तों कि पांचों क्वेश्चंस के क्या करें आप कि क्वेश्चन लिख करके एक एक पेज में आंसर खुद आप लिखें, है ना। हो सके तो आप आंसर लिखें एज अ फादर और मदर को भी अलग बोने लिखने के लिए, और कोई शेयर मत करें। पांच फादर लिखेगा अपने बच्चों को क्वेश्चन आंसर, और पांच अगर लड़के लड़कियां हैं तो कई सारे सेट हो सकते हैं, हो सकता है एक ही रिप्लाई हो सकती है हर बच्चे के लिए, तो वो फादर के पांच आंसर अलग हो गए और मदर के अलग हो। अब क्या करें कि मदर और फादर वो लिखने के बाद आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन पढ़ें, उसके आंसर दोनों पढ़ें और देखें आपस में आप में तालमेल
है कि नहीं एज ए मदर एंड फादर, आप दोनों वही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि दोनों की सोच अलग अलग है, तो उसको पहले शॉर्ट आउट करें। दोस्तों ये चीज मैं जो बोल रहा हूं इसमें हजारों डॉलर यहां पे देके लोग कोचिंग करते हैं एंड आई हैव अटेंडेड एंड दैट्स हाउ द कोचिंग इज बीन डन। इससे इतनी क्लैरिटी आएगी, शायद जितने लोग यहां पे सुन रहे होंगे शायद किसी ने ये चीज किसी बाबा से या किसी कोच से सुनी होगी, और अगर सुनी होगी तो आप शेयर करें और उसे शेयर करें या किसी बुक में पढ़ी होगी या। तो दोस्तों चांसेस है कि जो 5 क्वेश्चन के रिप्लाई आप जब लिख रहे होंगे तो बहुत आसान सा नहीं लग रहा होगा, या अगर आपने लिखा होगा तो बहुत सारी चीजों में सामंजस्य आप हस्बैंड और वाइफ में भी नहीं होगा, तो आप क्या करें, तो पहले आप हस्बैंड और वाइफ में सामंजस्य जुटाएं, उसके बाद फिर क्या करें ओपनली। मैं तो बोलता हूं अगर आपके आपके बच्चे क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं तो आप इन क्वेश्चन के आंसर खुद लिखें और अपने बच्चों से ओपनली डिस्कस करें। आपको खुशी होगी जान करके कि बच्चे जब आपसे बात करेंगे ये आपको ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं एक सेक्स है और एक पैसा है, इसका बहुत कम डिस्कशन होता है, हमारी फैमिलीज में टबू माना जाता है, बट अर्ली यू डिस्कस बेटर फॉर यू। और ये जो 5 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन पहले इन 5 क्वेश्चन को तो डिस्कस करो, देखिए कितनी बड़ी दोस्तों अदरवाइज होता क्या है। दोस्तों अगर आप इनके क्लैरिटी क्वेश्चंस की नहीं होगी तो बीइंग पेरेंट्स आप क्या होते हैं, अपनी ईगो में आते हैं, अगर आपसे बच्चे पूछते हैं तो आपको आंसर देना बहुत बहुत जरूरी होता, आप आंसर दे बैठते हैं कि नहीं मुझे देना है, लेकिन कभी कभी वो आंसर बहुत गलत हो जाते हैं। दोस्तों मेरे केस में कभी तो मेरे केस में मैंने ऐसा लगा कि जब मैं शादी करने वाला था तो मेरे पेरेंट्स को स्पेशली मेरी मम्मी को ये था कि बहुत ज्यादा वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको लगता था ऐसी लड़की शादी हो थोड़ा सा गाँव की हो, इस टाइप की हो, मेरे क्या था कि रहना मुझे कैनेडा में था तो मुझे ऐसी शादी करनी चाहिए कि लड़की ने कुछ देखा हो दुनिया में, यू नो मतलब ठीक ठाक घर से हो, अच्छे यू नो शहर में गई हो, पढ़ी हो, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए तो वो रीजन था। लेकिन क्या होता है कि नहीं यू नो तो ये बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा होता है। अब एक मैं एक टिपिकल एग्जांपल देना चाहूंगा कि बहुत सारे लड़के होते हैं जो बेचारे गरीब या मीडियाकर घर के लड़के होते हैं और वो लड़के क्या कहते हैं कि पढ़ाई खूब अच्छे तेज होते हैं, IIT में हो जाता है, जाके फिर IIM में हो जाता है, पता लगा कि IIM अहमदाबाद से, और उसको 2 करोड़ की सैलरी ऑफर हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि 2 करोड़ की सैलरी ऑफर हो गई और बहुत बढ़िया विदेश में गूगल ने ऑफर कर दी और जाके शुरू में अमेरिका चला गया और अच्छी अच्छी पोजिशन में होने लगा। अब उस लड़के की शादी चांसेस है कि बहुत बड़े अमीर घर की लड़की से होगी। अब देखना दोस्तों यहाँ पे कि लड़की जो है बहुत अमीर घर की, कभी एयर कंडीशन घर या एयर कंडीशन कार से नीचे उसने पैर नहीं रखा हुआ है, और ये लड़का बेचारा सोच रहा है कि अब पैसा कमा के माँ को बाप को सेवा करेगा, भाई बहनों को पढ़ाएगा, घर बनाएगा, उसके दिमाग में ये चल रहा है। लड़की के दिमाग में चल रहा है कि शादी करके यू नो विदेश घूमेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसी कार होगी। अब दोनों के जो मानसिक में स्थितियों में कोई संतुलन नहीं है, दोनों की सोच एकदम अलग है। देखिए ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन हमेशा हो सकते हैं, टिपिकल ऐसा होता है, और एग्जाम्पल मैंने देखा हुआ इसी कैनेडा के अंदर देखा हुआ है, और ये चीजें बहुत कोई दोनों की सोच में कोई तालमेल है ही नहीं, और होता क्या आपने दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस लड़की की भी और उस लड़के की भी। बहुत सारे केसेस में डिवोर्सेस आते हैं और बहुत सारे केसेस में एक समाज को लेकर के चलने के लिए यू नो दे जस्ट लिव यू नो जस्ट दे पास द टाइम। तो दोस्तों इसमें बहुत बहुत क्लैरिटी जरूरत है, मैं सॉल्यूशंस पे भी आऊंगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ मेरे को हमेशा जब लोग बात करते हैं मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, तो किसी ने ये नहीं टाइप किया कि मैं डिस्कशन को कंटिन्यू रखूं यस एंड नो, तो लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, या लोग सोच रहे हैं कि अरे मैं यस बोल दूंगा तो राकेश जी या दूसरा और लोग समझेंगे अरे इनको लगता प्रॉब्लम है। दोस्तों समय आ गया है थोड़ा सा ओपन होने का, ओपनली बात करने का, जितना ज्यादा ओपनली बात करेंगे खुल के बात करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो चलिए दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आज का जो टॉपिक है, टॉपिक दोस्तों ये हो कि यू नो कि पेरेंट्स कैन बी अ मेजर ऑब्स्टिकल्स इन देयर चिल्ड्रंस सक्सेस, और हमने 3 उसमें रीजन लिए कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, और साथ में मैंने एक सिनारियो रखा कि आपके बच्चे आपकी 5 क्वेश्चन आपसे आके पूछते हैं और इसके आंसर क्या आपके पास है क्या। अगर बच्चे नहीं भी पूछते हैं तो आप अपने आप से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें और हस्बैंड वाइफ में डिस्कस करें, उसके बाद बच्चों डिस्कस करें, बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। आगे मैं फॉर्मल सोल्यूशन भी दूंगा।
दोस्तों, तो वो जो पांच क्वेश्चन है पेरेंट्स से बच्चे जो पूछेंगे वो ये थे कि आफ्टर ट्वेल्थ व्हाट कैरियर दे शुड चूज एंड आफ्टर यू नो द एजुकेशन इज डन व्हाट जॉब और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट ऑप्शन दे चूज एंड व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल दे शुड चूज फॉर द या बॉय दे शुड चूज फॉर द मैरिज एंड एट व्हाट एज दे शुड गेट मैरिड एंड हाउ टू मैनेज देयर इनकम वंस स्टार्ट मेकिंग देयर अर्निंग. तो ये इनके आप आंसर लिख करके और डिस्कस करें आप पहले हस्बैंड वाइफ में और फिर आप अपने बच्चों से, बहुत मजा आएगा. तो दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ सॉल्यूशंस पे आगे जाऊं दोस्तों, कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे दोस्तों के जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है. और जैसा मैं बताता हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लेता हूँ जो कि अपना इतना कीमती समय मंडे सुबह इंडिया में और यहाँ इंडिया पे रात के 11 बजे हमारे साथ लगाते हैं. जैसे हमारे यू नो पांडे जी हैं, आशुतोष पांडे जी, तो थैंक यू वेरी मच. तो जो जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा एडवांस में. सनी वर्मा जी, ध्रुवी गुप्ता जी, लेनर्ड लोबो जी, विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, राहुल सिंह जी, ब्रजेश द्विवेदी जी एंड गुरताज भट्टी जी एंड पवैया जावादी जी, अमरप्रीत चोपड़ा जी, आशुतोष पांडे जी, जीतू सिंह जी, गुरुनाम सिंह जी, अश्वेता स्वामी जी, अशोभा तिवारी जी, आलोक राय जी, तारसेन संघा जी एंड हमारे दांते मिग्रारडी जी एंड मूल सक्सेना अंकल, विनय श्रीपद जी, पेरी निर्वाणा जी, वी के शैनी जी, देशी रूट्स, आई डोंट नो हु इज बिहाइंड एंड इट बी गुड इफ यू टाइप द नेम, विशाल कपूर जी एंड अशित चक्रवर्ती जी एंड सधोला मिश्रा भाई साहब, आशीष मिश्रा जी एंड हमारे अश्मा बाजवा जी एंड संजय राय जी, मुमताज चौधरी जी, निप सिद्धू जी, भविषा सांगानी जी एंड सतीश मिश्रा जी, गौरव कुमार पाठक जी और हमारे पांडे जी और बाबी कुमार जी, रोशा रागो जी एंड बर्नार्डवा स्पाइक जी एंड अभिषेक श्रीवास्तवा जी एंड गिरी सवस्थी जी हमारे पत्रकार साहब रायबरेली से, ए जयमीन बचाची जी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. तो इसी पे बात कर रहा था. तो दोस्तों, ये होता है क्योंकि बहुत यू नो क्योंकि जैसे जो स्पेशली मैरिज का जो सिलेक्शन होता है, आप बहुत लोगों को मालूम होगा मेरे केस में क्या हुआ. लेकिन जब बहुत डिफिकल्ट था दूसरी बार इन्हों, लेकिन फिर यही चीज़ें मैंने अपनी वाइफ में देखी. एक छोटे से गांव से आती हैं, लेकिन उनके जो भाव, उनके जो विचार, उनके जो एक ओपननेस और एक वो देखी इन्हों की नो बीएस एटीट्यूड जो देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा और बड़ा अच्छा लगा. और आप लोगों के आशीर्वाद से, बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग से आज फिर से इस मुकाम पर आ गया हूँ कि आपसे बात कर सकता हूं. तो ऑल माय फ्रेंड्स हु आर इंग्लिश स्पीकिंग, हु कैनॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज दिस इज द हिंग्लिश शो. हमारी मातृभाषा है और गर्व से बोलता हूं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है. और हमारा एक सपना था कि यार उसी हिंदुस्तान ने उसी हिंदी में पैदा होकर के आज यहां पहुंचे हैं और इस अंग्रेजी दुनिया में रहते हैं. तो बड़ा अच्छा है कि दोनों को हम फॉलो करें और दोनों में बात करें. इसलिए मैंने ये इंग्लिश रेडियो शो स्टार्ट किया हर मंडे को 8 बजे. कभी थोड़ा लेट जाता, थोड़ा सा फीवर था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और तो थोड़ा सा यू नो लेट हो गया दोस्तों. लेकिन कोशिश करता हूँ कि इंडिया के टाइम पे 8 बजे सुबह और उस समय हमारे कनाडा में ईस्टर्न टोरंटो टाइम पे 10:30 बज रहे होते हैं रात के. दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन पे. दोस्तों चलिए, अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि अरे अच्छा टॉपिक है राकेश जी. चलिए ठीक है, हमारे अपने दोस्त हैं नहीं बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है. और चलिए अब सॉल्यूशंस पे आते हैं. तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो ये है कि थोड़ा चेंज करें नजरिया अब अपना. मैं तो ये बोलूंगा, थोड़ा सा कठिन होगा सुनना शायद दोस्तों, अगर आप ईयर 80 सन 80 के पहले के बॉर्न हैं. फिर से मैं रिपीट करूंगा, इफ योर पेरेंट्स and you born before 1980, please be careful and think twice before advising your kids for their career and other things. Yes. Unless you are really up to date and you know what you are advising, including their job, including their education, including their spouse, including their country of residence, aap pehle जानकारी करें. और आज की डेट पे तो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन यही है कि गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन. सपोज किया कि मैं तो ये बोलता हूं कि
आपका अगर अपने बेटे को आईएएस बनाना है, आईएफएस बनाना, क्लास वन सर्विस बनाना है, इंजीनियरिंग के बाद आईएएस बनाना है, तो आप क्या करें आज की डेट पे दोस्तों? मैं जब दिल्ली में काम करता था तो एज ए सर्विस इंजीनियर आई यूज्ड टू गो टू कृषि भवन, ऑल दोज मिनिस्ट्रीज जहां पे कि जो आईएएस, जिनका आईएएस लोगों जिनका सिलेक्शन होता है, लोगों को 6-6 महीने इस टाइम तक नहीं मिलते और आईएएस ऑफिसर होते हैं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन ठीक है टाइम लगता है। तो आप ये देखिए आईएएस क्यों बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, इसलिए कि अरे सक्सेना जी का लड़का आईएएस है, मिश्रा जी का लड़का आईएएस है, सिंह साहब का लड़का आईएएस है, उनकी लड़की आईएएस, केवल इसलिए समाज के नाम के लिए, या लड़के को सच में ये मालूम है कि आईएएस के बाद क्या होगा? खाली बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा, नौकर चाकर मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, और अगर बेचारे को अगर कनाडा घूमना है या यूरोप घूमना तो उसमें भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। इसलिए बोल रहा हूं, हमारे जानने वाले यहीं पे दोस्त हैं और उनके जो दोस्त थे फोन पे बात कर रहे थे इंडिया से, अरे यार तुम लोग तो जिंदगी इंजॉय करते हो, हम लोग तो क्या ऐसे फंस गए कि 50 तामझाम है, ऐसी पोजिशन पे इतनी जल्दी निकल भी नहीं सकते। तो दोस्तों एक ही जिंदगी मिली होती है, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा एज ए सोल्यूशन नंबर वन कि गेट एक्सपर्ट ओपिनियन। आप क्या करें कि जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी कंट्री में, मतलब राज्य में रहते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आईएएस हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया में जाएं, लिंक्डइन में जाएं, आपके कितने ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे बात करें, सर आई विल पे फॉर योर टाइम, गो एंड टॉक टू देम कि मेरा बेटा या बेटी आईएएस बनना चाहता है, और पहले बेटे से बात कर लें कि वो आईएएस की लाइफ क्या देखता है, उसके सपने क्या है, आईएएस क्यों बनना चाहता है, आईपीएस क्यों बनना चाहता है, आईएफएस क्यों बनना चाहता है, पीसीएस क्यों बनना चाहता है, पीसीएस जे क्यों करना चाहता है, जज क्यों बनना चाहता है, अकाउंटेंट, डॉक्टर, डेंटिस्ट क्यों बनना चाहता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होंगे कि कितने सारे डॉक्टर छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में आ गए, कितने डॉक्टर सिंगर बन गए, कितने डॉक्टर एक्टर बन गए, कितने पुलिस वाले छोड़ के आईटी में आ गए। तो कहने के मतलब होता है कि आज की डेट पे सारे एक्सपर्ट ओपिनियन आपके मौजूद हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जिस भी फील्ड में आपका लड़का जाना चाहता है। तो इतनी बड़ी घर बनाने के लिए, हर चीज के लिए आप इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं, यहां तक जब आप भिंडियां खरीदने बाजार में जाते हैं तो यहां भी मैं देखता हूं, मुझे दुख होता है कि खास इतना समय अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के एजुकेशन चुनने में किया होता तो आज कहां के कहां बच्चे आपके होते, ये फेलियर या इतनी परेशानी है। एक एक भिंडी के आगे की उसके उसको तोड़ के उंगली से देखते हैं कि ये नाजुक, ये मुलायम, ये अच्छी कैलिबर में है कि नहीं। भिंडी, एक एक भिंडी को चुनते हैं, हम उस देश से आते हैं और हम उस कल्चर से आते हैं दोस्तों, भिंडी को चुनने में इतना टाइम लगाते हैं लेकिन अपनी जीवन संगनी चुनने में कोई वक्त नहीं लगाते, उसमें समाज के ऊपर छोड़ देते हैं कि समाज क्या कहे, बच्चों की कैरियर समाज पे छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं भावुक हो जाता हूं कि इतना जब पेन देखता हूं बच्चों के, ऐसे ऐसे बच्चों की ऐसी फैमिली तबाह हो गई दोस्तों, फैमिली तबाह हो गई कि बच्चे बेचारे आते हैं हमारे गांव के बगल के ऐसे ऐसे जगहों पे हैं जो हुई शादी, आज बोलते हैं कि जब बाप जाता है, बेटा क्लास वन ऑफिसर है, जब बाप जाता है तो बेटा इंट्रोड्यूस करवाता है, ये हमारा नौकर। हाँ दोस्तों ऐसे ऐसे भी कहानियां हैं, तो मत बर्बाद कीजिए अपनी फैमिली को, मत बर्बाद कीजिए रिलेशनशिप को, मत जीजिए समाज के लिए दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो पहला सलूशन ये था दोस्तों कि अगर उन 5 सवालों की, फॉर दैट मैटर किन्हीं सवालों के अगर आंसर आपके पास नहीं, वो चाहे सवाल बच्चों के हो सकते हैं, चाहे अपनी पत्नी को हो सकते हैं, चाहे आपके खुद हो सकते हैं, तो उसके एक्सपर्ट्स, उसमें बुक्स हैं, उसमें वीडियोज हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है यूट्यूब में टाइप करें, गूगल में टाइप करें, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो पता करें कि कौन रिटायर्ड आईएएस है या किसका बच्चा आईएएस है, उसे रिक्वेस्ट करें जब भी आपका बेटा या बेटी आपकी छुट्टी पे आए, मैं उसका आधा घंटा वक्त लेना चाहूंगा बहुत। और मैं तो ये बोलता हूं जो हमारे आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, मैं अगर कोई सुन रहे हैं मैं उनसे सल्यूट करूंगा कि आप आईएएस बन गए, जब आप अपनी छुट्टियों पे जाएं, गांव पे जाएं, जहां पे जाएं, एक 15 मिनट का, आधे घंटे का आप सेमिनार कर दें, इससे बड़ा आप अपनी सोसाइटी को कुछ भी नहीं देते। दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई गो बैक, दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम डूइंग ऑल द वे 12,000 किलोमीटर दोस्तों आपसे दूर बैठ के। टोरंटो में तबीयत ठीक नहीं है, गले में खराश है, बुखार है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये मेरी ड्यूटी है तो दोस्तों यहां से कर सकता हूँ। जब भी आप छुट्टियों में जाएं, आप कनाडा में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, छुट्टियों पर जाएं दोस्तों, वहां पे अपनी स्ट्रगल, अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस शेयर करें, किसी के लिए वो वरदान हो सकती है। कितनी कॉल्स मैं अटेंड करता हूं दोस्तों आज की डेट पे, आप देखें 16,000 से ऊपर मेरे, कोई अपनी वाह वाही के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 16,000 से ऊपर लिंक्डइन पे लोग हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका फोन नंबर लेता हूं, उनसे बात करता हूं, सलाह करता हूं। मैं प्राउडली कह सकता हूं कम से कम 10 बच्चों की हेल्प हर महीने कर रहा हूं, गाइडेंस दे रहा हूं, प्रॉपर जॉब की, लोगों बच्चों पर जॉब है,
मैं खुद बता रहा हूँ, जब इलाहाबाद में मैं अपना स्टडीज कर रहा था अपनी, तो स्टडीज करने के बाद बहुत सारे बच्चों को कैंपस में इंटरव्यू था, मेरा कैंपस में नहीं हुआ, उनका हिंडालको में होता था, और हिंडालको एक अच्छी कंपनी है लेकिन एक पहाड़ में दुनिया से, अब क्या करोगे, उसी पहाड़ में आते जाते उससे बाहर ना निकलोगे ना कुछ करोगे। मुझे लगता था यार हमें दिल्ली जाना, दुनिया देखनी, और आज उसका ये रीजन दोस्तों थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, माफ कीजिएगा। तो दूसरे रीजन पे आते हैं दोस्तों, वो वही रीजन है कि लड़का अगर श्योर है, आपने डिस्कशन करके सबसे और आपने पता कर लिया कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है या आपके बच्चे को डेंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अकाउंटेंट बनना है, जिस चीज में भी बनना है दोस्तों, अगर आपका ये श्योर हो गया है, बहुत ही खूबसूरती से आप बच्चे को डालें। लेकिन अगर ये श्योर नहीं है तो मैं तो ये बोलता हूं कि आप बच्चे को यूनिवर्सिटी कॉलेज ही क्यों भेज रहे हो उसके बारे में दो बार सोचो। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, देयर आर सो मेनी करेस्पॉन्डेंट और डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग रिसोर्सेज हैं, उससे करवाएं, और बच्चे को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा आप मेरे साथ नाराज होंगे राकेश, ये कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं दोस्तों। आज बहुत बड़ी चर्चा चल रही है स्पेशली अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसके बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, बच्चों को किया जाए या नहीं किया जाए। अगर आपको क्लियर है कि किस फील्ड में जाना है, दैट्स फाइन, अदरवाइज आई थिंक यू हैव टू थिंक ट्वाइस, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। दोस्तों तीसरी सलाह मैं ये दूंगा कि बच्चे जिस भी मैंने क्या कहते हैं फील्ड में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, डेंटिस्ट जिसमें भी है, वॉट इज स्टॉपिंग देम, जब भी इंजीनियरिंग में होते हैं, चाहे डिग्री में हो चाहे डिप्लोमा में हो, उनका एक प्रोजेक्ट होता है। मैं बोलता हूं कि वो बच्चे 10th पास करने के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट रखें, ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, जिसमें कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट को यूज करके एक ऐसा रखें कि जो जब वो 20 साल के हों, सपोज कि आप इंडिया में रहते हो, तो इंडियन यूथ की जो इस समय एवरेज पर कैपिटा इनकम है, सपोज किया कि 1-2 लाख रुपए अगर साल की एवरेज इनकम, तो मैं बोलता हूं जब बच्चा आपका 20 साल का होता है, वो कुछ भी कर रहा हो 10th के बाद, उस समय उसकी उम्र 15 साल होगी, तो 10th के बाद वो एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दे साइड में, वो चाहे ब्लॉगिंग का हो, चाहे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, चाहे कोई कोचिंग, कुछ भी ऐसा शुरू कर दे कि नेक्स्ट 4-5 ईयर बाय द टाइम ही टर्न्स 20, जो एवरेज 3 लाख सैलरी या 2 लाख सैलरी उस कंट्री की जो साल की है, वो बच्चा ऑलरेडी कमाने लगे। मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चों पेरेंट्स को बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फंड्स कुछ लेते भी हैं पेरेंट्स आए जो लोन, तो वो बच्चे खुद पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं ये चाहता हूं कि बच्चे जब 15-16 साल की उम्र से, जब 15-16 साल की, आजकल बच्चे को वैक्स मारा जाता है, कहने मतलब उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है और क्या क्या चीजें हो जाती, तो बच्चे पैसा क्यों नहीं कमा सकते। तो 16 साल की उम्र से बच्चे कमाने लगे, सोचो कि बच्चे 16 साल की उम्र से पैसे कमाने लगे हैं उस कंट्री के जो एवरेज यूथ की इनकम, वो कमाने लगे हैं, तो बेसिकली उसको पेरेंट्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। तो ये एक मेरा तीसरा सलूशन ये है कि आप अपने बच्चों को जरूर जरूर दोस्तों इसमें इन्वॉल्व करें। और एक मैंने रीजन बताया आपको कि अगर इफ यू आर बॉर्न बिफोर 80, सो प्लीज बी केयरफुल एंड थिंक ट्वाइस बिफोर एडवाइजिंग योर चिल्ड्रन फॉर दैट, यू मे वॉन्ट टू टेक सम सजेशंस आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट। और चौथी चीज दोस्तों क्या करें कि गिफ्ट का जो तरीका है वो आप चेंज कर दें। मैं तो बोलता हूं जब आपका बच्चा 12th पास आउट हो रहा होता है, तो बच्चों को आप खिलौनों और पैसे और कार और बाइक, उससे अलावा आप क्या करें, बच्चों को 1-2 घंटे की कोचिंग गिफ्ट करें किसी अच्छे एक्सपर्ट से। हो सकता है वो एक्सपर्ट आपसे 50,000 रुपए ले या 25,000 रुपए 1 घंटे का ले, तो जितना ज्यादा वो चांसेस है कि हाईली जिसका नाम होगा वो पैसे चार्ज करेगा। तो बोले कि सर अब मैं अपने बच्चे को 2 घंटे किसी चेतन भगत जैसे बंदे की, मैं उसको 2 घंटे की कोचिंग दे रहा हूं। ये बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन है, आप अमेरिका से पूरी दुनिया से आप कोचिंग अवेलेबल है बच्चे की, जो बहुत सारे ऐसे कोचेज ओनली फॉर कोचेज ओनली फॉर टीनेजर बिफोर दे आर गोइंग टू कॉलेज और बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी और बिफोर गोइंग टू जॉब। तो आप वो 2 घंटे की कोचिंग बच्चों को गिफ्ट करें दोस्तों, ये आप अपना गिफ्ट का तरीका बदल सकते हैं, वो उनकी जिंदगी संवार देगी। बाइक हो सकता दें बच्चों की, एक तरीके से आप उनको एक्सटेंड प्रोन बना रहे हैं, लेकिन आप अगर कोचिंग किसी को दे दिया, आप उनकी पूरी जिंदगी सुधार रहे हैं। तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फिश देते हैं, लेकिन एक कोचिंग आवर्स अगर किसी आपको हायर करके खरीद करके दे देंगे, तो उनको आप क्या करें और फिशिंग करना सिखा रहे हैं दोस्तों। पांचवा सजेशन मैं ये देना चाहूंगा दोस्तों की कोशिश करें कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालें।
बहुत फर्क पड़ता है। अगर बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाले हैं तो एटलीस्ट ट्वेल्थ के बाद कोशिश करेंगे बच्चे हॉस्टल में रहें, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे जिस भी डिसिप्लिन में हो, कि बच्चे हॉस्टल में कहने मतलब अकेले रहें, दूसरों से मिक्सअप हो, दुनियादारी को देखें, क्योंकि आप एज ए पेरेंट्स जिंदगी में हमेशा उनके साथ नहीं रहोगे, उनको अपनी जिंदगी जीनी है, तो जितना जल्दी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं उतना उसके लिए उनके लिए आसान होता है। और दोस्तों छठवां सजेशन ये होगा कि जब भी आपके बच्चों को चांस मिले अब्रॉड जाने का, चाहे ड्यूरिंग एजुकेशन या घूमने के लिए, या आप उनको जॉब में, पैसे को मत देखें पैसे कितना मिलता है, खाली उनको ये देखें कि उनको अब्रॉड जाने का चांस मिलता है। यू नो अभी मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने ये टॉपिक किया था, आप सुन सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें कि फाइव रीजन एवरी इंडियन यूथ नीड टू एक्सपीरियंस फाइव ईयर्स NRI स्टेटस, कि देश से बाहर कम से कम 5 साल रहे, और उसमें आप सुन सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने उसमें शेयर की हैं। तो ये रहा छठवां रीजन दोस्तों कि बच्चों को फॉरेन जरूर 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 भेजें अगर आप भेज सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों छठवां रीजन। और जो सातवां रीजन है वो लास्ट है, तो दोस्तों मैं वो आपसे कहना चाहूँगा कि क्या करें कि आप अपने बच्चों को जो है वो, मैं थोड़ा सा भूलने लगा हूं, तो आ गया सातवां रीजन दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी, बहुत कठिन मैं बोलने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा पेरेंट्स अगर आपको मैं हर्ट करूं, कोशिश करें, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारी इमोशनल चीजें हमारी होती हैं, ज्यादातर हमारी जो इमोशनल चीजें होती हैं हमारे बच्चों को बर्बाद करती हैं, हमारे बच्चों को कमजोर बनाती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जो जिम्मेदारी आपके बच्चों सिर्फ पैदा होने से लेकर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डे है तब तक ही रखें। एंड लेट योर किड्स वेरी वेल नो कि आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें घर में साथ रहने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल लास्ट डे ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत खराब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन अगर इसको एक्सरसाइज कर लेंगे तो शायद आप जीत, जब तक जिंदा रहेंगे इस दुनिया में, मेरे को थैंक यू बोलेंगे दोस्तों। या ये एक्सपीरियंस की भी बातें हैं, ये दूसरे से शेयर की भी बातें हैं, बड़े बड़े जो बिलियनेयर और मिलियनेयर उनके जो थॉट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये आपका आखिरी रीजन था कि आप ऐसा करें। नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अगर किसी को नाम याद हो तो शेयर कीजिएगा। एक वीडियो देख रहा था बहुत पहले, एक गुजरात के बिजनेसमैन है और वो बिलियनर है, बहुत बड़ी की कंपनी है, और वो आए थे किसी फंक्शन में, मोटिवेशनल टॉक दी थी, तो उनकी उनकी फैमिली का मतलब 4-5-7 भाई हैं, सब मिलके रहते हैं, तो उनकी फैमिली का उसूल है, जब बच्चा कॉलेज पढ़ के आता है तो वो लोग क्या करते हैं कि शायद 1 साल या 2 साल के लिए बच्चे को किसी और राज्य के एक अजनबी शहर में भेज देते हैं और उसको केवल 5,000 रुपये महीने का देते हैं, जबकि वो बिलियनर अरबपति लोग हैं। देखिएगा दोस्तों, और मैं ये नाम आपसे पता करके शेयर करूंगा। तो वो गुजरात के लोग हैं और बिजनेसमैन अरबपति हैं, लिटरली अरबपति हैं, डायमंड का बिजनेस उनका सावले से हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने पूरे परिवार में जितने भाइयों के बच्चे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद 2 साल उनको बेहद कोई शोर सिफारिश नहीं, सीधे उनको टिकट करा दिया जाएगा और उस शहर का, और 5,000 जैसे वो लैंड करते हैं बस 5,000 उनको महीने के मिलेंगे, और 1 साल या 2 साल तक उनको उस शहर में रहना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो कुछ भी करना है, अपने आप, कोई सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये महीने के। दोस्तों वो भी तो पेरेंट्स हैं, अरबपति लोग हैं। ऐसी कहानी आप किसकी भी सुनेंगे, हमारे रिचर्ड ब्रांसन साहब हैं, सर रिचर्ड ब्रांसन इंग्लैंड से हैं, बिलियनर हैं, वर्जिन यू नो एयरलाइन और बहुत बड़ी 350 कंपनीज के मालिक हैं, और उनकी कहानी है आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी करके एक बुक है, उनकी खुद की बायोग्राफी काइंड ऑफ थिंग्स। तो उनके जो पेरेंट्स थे जब बहुत छोटे थे तब उनको घर से 10-10, 12-12, 15-15 माइल दूर छोड़ देते थे कि जाओ और साइकिल से अपना रास्ता ढूंढो। कहने मतलब बहुत टफ बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, सो दैट दे आर मेंटली टफ एंड देन दे आर रेडी टू टेक अ बिगर एंड बेटर डिसीजन। तो दोस्तों कहीं पे अगर हमने आपकी भावनाओं को अगर हर्ट किया हो तो मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत सारे अपने लाइफ से, दोस्तों से, और जो जाता हूं, लोग मुझसे कोचिंग लेते हैं, लोग मुझसे सजेशन मांगते हैं, मैं तो आपसे
ये बोलता हूं कि आप मेरे को youreachrakesh@gmail.com या फेसबुक के मैसेंजर में, लिंक्डइन में, या राकेश मिश्रा ऑन फायर गूगल में डाल दे, मुझ तक पहुंच जाएंगे, मेरे को मैसेज भी लें। मैं आपसे 15 मिनट से आधे घंटे फ्री में बात करूंगा और जो भी आपकी क्वेश्चन है मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा, जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूं। मैं तो निकली पड़ा हूं दोस्तों अरबपति बनने, मालूम ही हो आपका कि मेरी स्पीच का टाइटल है मीट रियल स्लम डॉग बिलियनियर। बिलियनर पैसे से ही दोस्तों बिलियन लोगों तक मुझे पहुंचना है मेरे आखिरी सांस से पहले। तो आप हमारे बिलियनर क्लब के मेंबर हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। बहुत लोगों को बात करता हूं और बहुत अच्छा आपको लगेगा क्योंकि तब आपको मैं पर्सनलाइज अटेंशन दे सकता हूं। तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक मैं आपसे बात करूंगा और बहुत मजा आएगा आपको हेल्प करने में। तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, माई ई मेल एड्रेस इज youreachrakesh@gmail.com, youreachrakesh@gmail.com। सो दोस्तों आज का टॉपिक ये रहा और बहुत मज़ा आया आपके साथ रह करके। और ये मैं अभी तो मैंने यहाँ के आपका तो मोटिवेशन कर देता हूँ, अपने कैनेडियन और अपने इस हेमिस्फीयर का भी मोटिवेशन, तो इसी का ये ऑडियो वर्जन है, इसका मैं वीडियो सुबह कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक और पेरेंट्स से हमारी हाथ जोड़ के विनती है और गुजारिश है कि किसी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे हम बच्चे क्या जाने, हम बच्चों खुश, हाँ ऐसा हो सकता है कि बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स इतने एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप बच्चों की सुने, बहुत सारे हमारे बच्चे स्मार्ट हैं। जब आज हमारे अपने सीनियर भाई साहब से बात किया उनके बच्चे को लेकर, जिसने कि वो जॉब ठुकरा दी 7 लाख की पैकेज और वो करना चाहता है वो ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में हमारे भाई साहब को या उसके पापा कोई आइडिया नहीं है। और जब उन वहां अपने गांव जाते हैं तो उनके चाचा लोग पूछते हैं, अरे हमारा ग्रैंडसन क्या कर रहा है, लोग शादी के लिए पूछते हैं, तो उनके डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात की जाए। तो अगर जरा सा भी कोई बात अच्छी लगी हो तो जितना थोड़ा एलेबोरेट करके अगर एक दो लाइन आप लिखेंगे कि ये बात अच्छी थी राकेश जी, ये ऐसा था या इसमें इम्प्रूवमेंट या ऐसा अच्छा नहीं था, तो आपका जब इंट्रैक्शन होगा तो उससे मैं अपने आप को दूसरी तरीके से फिर करूंगा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और अब इजाजत चाहता हूं। और दोस्तों देखो, और ये भी बात है कि आज हम जिन हो सकता है कि आप अकाउंटेंट रहे हो तो आप चाहते हैं हमारा बेटा अकाउंटेंट हो, या बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं, टू टेल यू द ट्रूथ, बहुत सारे जैसे लॉयर्स की, जो लॉयर की एक फंक्शनैलिटी होती है जॉब की, उसमें 70% जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो दैट इज गोइंग टू डिसअपियर बिकॉज जो सॉफ्टवेयर वो कर रहे हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट की बहुत सारे जो फंक्शनैलिटी हैं दैट इज बीन टेकन केयर बाई यू नो दोज अकाउंटिंग पैकेजेस। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि बहुत सारी जिन जॉब के बारे में आपको बड़ी अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप 80 के पहले के बॉर्न हैं तो बहुत सारे आपके जो जॉब बहुत अच्छी लगती थी, हो सकता है वो जॉब दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एनी मोर इन फ्यूचर, इन 5 years, 10 years, see entirely different world। तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं बच्चे अपने फील्ड में या अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया लोगों की एग्जाम्पल देखते हैं तो उनको भी लगता है कि मैं भी ये करूं, लेकिन वो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से करे, माँ बाप को क्या बताना पड़ेगा समाज में कि हमारा बेटा जॉब क्या करता है, क्योंकि जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि हर 6 महीने 1 साल में कहां से कहां चेंजेस आ रहे हैं। तो आप तो छोड़ो, आपके बच्चे भी उतना अपटूडेट नहीं हो पाते हैं, तो आप तो बहुत दूर की बात है, तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों बच्चों विश्वास करना सीखें, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। और आज हम एक समय था कि बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज के समय पे बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों आपके बच्चों के लिए, उनको खाने कमाने के लिए उनकी कोई वो नहीं है। लेकिन वो अगर एक, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी वो करें, लेकिन एक पैरेलल में एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का एक साइड में करके जरूर चलें, जिससे कि अगर कभी उनकी जॉब में कोई मुश्किल आती भी है तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरे को देख लीजिए, मैं एक सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर था दिल्ली में, लेकिन माँ बाप के गरीबी के कारण पैसे ज्यादा कमाने थे, लाखों में चाहिए थे, हजारों में कमा रहा था, मिडिल ईस्ट गया, मिडिल ईस्ट में पैसे कमाए, घर बनाया, शादी ब्याह की बहनों की, और उसके बाद फिर दूसरा रास्ता देखा Y2K के चक्कर में, लोग IT में जा रहे थे, एक दिन रिजाइन किया, सीधे बंगलोर चला गया और IT में US में आ गया, लेकिन फिर कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दिया, यहां पे आ गया, फिर सोचा यार यही जिंदगी क्या है, कमाते रहेंगे और बड़े घर और बड़ी कारें, यही जिंदगी है क्या? लेकिन एक दिन डिसाइड कर लिया कि बिलियनर बनना, दोस्तों की हेल्प करनी है। तो उसके लिए पहले डिसाइड किया कि हमें अपनी हेल्प, अपने परिवार की हेल्प के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें बेसिक थी, घर को पे आप कर देना था, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर देने थे और अपने जो मंथली खर्चे हैं, दैट्स इट, और हो गया।
क्योंकि हम कभी इस चीज से सोचते ही नहीं है कि रिटायरमेंट भी हम जल्दी होके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता है दोस्तों। और पूरी जिंदगी हम लगे रहते हैं और सडनली हम 65-70 साल हो जाते हैं और लोग तो अरे अब क्या है, चलो हम हरिद्वार चलें या चलो राम राम करें, कुछ भी गलत नहीं है, राम राम हरिद्वार करें सब करें, लेकिन साथ में अगर आप इतना वैल्यूएबल हो जाएं तो आप हरिद्वार में बिछा के एक नवीनता, एक न्यूनतम, सॉरी एक नवीनतम चीजें ला सकते हैं, एक नयापन वहां पे भी ला सकते हैं, चीजों में एक बहुत बहुत यूनो क्रांति आप ला सकते हैं सोचों में। तो दोस्तों एक से एक बड़े लोग हैं, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई भी उसमें अच्छी चीजें कर सकता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये मेरा कहने का मकसद था और मुझे लगा कि टॉपिक शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से अपने दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा, बहुत मज़ा आया और आज का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया था और 4-5 लोग लगातार मेरे को सुनते जा रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। इनविजिबल आप देख नहीं सकते लेकिन दिल से प्रेम है दोस्तों, ना मैं इसमें कुछ बेच रहा हूँ और ना ही कोई दूसरा स्वार्थ सिर्फ ये है कि जीते जीत लोग मर मर के भी जी लेते हैं, कर जाओ कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी जिंदा रहो। और आज के समय पर एक समय था कि रेडियो और टेलीविजन और सब पैसा, आज की डेट में आपके सामने दोस्तों अपने लिविंग रूम में यहाँ पे आपसे 12,000 किलोमीटर दूर टोरंटो में बैठा हूँ और केवल सेलफोन हमारे सामने है और उसका एक हेडफोन मेरे कानों पर लगा और कुछ भी नहीं, फ्री में इंटरनेट है, अनलिमिटेड इंटरनेट होता है यहाँ पे जैसे इंडिया में भी है, जैसे सब कुछ फ्री में और आप सुन रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ इतने 5,500 लोग ज्वाइन किए हैं, इसमें अगर एक भी किसी के अगर मैं थोड़ा सा सोच बदलने में कामयाब हो गया, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइफ में ला दिया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से नाम लेना चाहूंगा हमारे सनी वर्मा, थैंक यू वेरी मच, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, सनी वर्मा जी, ध्रुवी गुप्ता जी, लेनार्ड लोबल जी, विनोद कुमार जी, राहुल सिंह जी, ब्रजेश द्विवेदी जी, गुरताज भट्टी जी, अपायवा जवादी जी, अमरप्रीत चोपड़ा जी, क्या है, सी इज सच अ ब्यूटीफुल एंड सच एन ऑनेस्ट एंड केयरिंग यू नो डेंटिस्ट, सी हैज आई थिंक 2-3 ब्रांचेस हियर इन जीटीए, इफ यू आर जीटीए यू कैन नॉट गो रॉन्ग इफ यू विजिट टू हर, सी इज सच, सी हैज सच कंपैशन टूवर्ड्स हर क्लाइंट, यू नो सी इज लवली लवली लेडी अमरप्रीत चोपड़ा जी। और एक कहानी है कभी शेयर करूंगा, कहानी ये है कि अमरप्रीत चोपड़ा जी जब यहाँ पे आई थी कैनेडा में आज के लगभग 18 साल पहले, तो इनके एक दोस्त हैं सुनीश जी, तो सुनीश जी ने अपने घर पे बुलाया और सुनीश जी ने बोला कि राकेश जी एक हमारे दोस्त हैं पंकज, वो इंडिया से आ रहे हैं और उनको आप इतना बढ़िया सब सलाह देते हैं, उनको आप थोड़ी एडवाइस करने की जरूरत है। तो शायद पता नहीं अमनप्रीत जी को ये चीज़ मालूम है कि नहीं, सुनीश जी के घर में मैं गया था और अमनप्रीत जी और पंकज जी आए थे, आज वो इन्हों मिलियनर बिलियनर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वहाँ पर यही पूछी कि मैं डेंटिस्टी करूँ कि नहीं, मेरा यही था क्या फ़र्क पड़ता, जो दिल में करना कर डालो, और आज 2-2-3-3 ब्रांचें हैं। तो अगर शायद अमनप्रीत जी अगर आपको याद होगा तो नहीं तो आपके बारे एक दो बार मैं आया हूं लेकिन शायद इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सुनील जी से पूछिएगा कि ये क्या बात थी आज के 18 साल पहले आप उनके अपार्टमेंट में ब्रैम्पटन में आई थी और मैं वहां पे आया था और आपको एक तरीके से एडवाइस करने के लिए आया था आपको और पंकज जी को। तो मेरी तो आदत शुरू से ही है और आज इतनी खुशी है कि फेसबुक ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि दुनिया को मैं यहाँ से चीज़ें बोल रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं। तो सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। सनी वर्मा जी, ध्रुवी गुप्ता जी, लेनार्ड लोबो जी, विनोद कुमार जी, राहुल सिंह जी, ब्रजेश द्विवेदी जी एंड कुर्ता भट्टी साहब एंड पावा जावादी जी, अमनप्रीत चोपड़ा जी, आशुतोष पांडे जी, जीतू सिंह जी एंड गुरुनाम सिंह जी, श्वेता स्वामी जी, शोभा तिवारी जी, आलोक राय जी, तारसेम संघा जी एंड जीतू सिंह जी एंड दांते मिग्रांडी जी, मूल सक्सेना अंकल, विनय श्रीपद जी एंड पेरी निर्वाण जी, वी के सैनी जी, देसी रूट, विशाल कपूर जी, असित चक्रवर्ती जी, सधोरा मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, हमारे साले साहब एंड आशुतोष पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंटरेक्शन के लिए, एंड आसमा बाजवा जी, संजय राय जी, आल फ्रॉम बनारस एंड मुमताज चौधरी जी, निपसिंधु साहब, What a gentleman from Punjab, you know, you man, you live life like king size, I really love your lifestyle. And Bhavisha Sangani ji, and Ms. Satish Mishra ji, Gaurav Kumar Pathak ji, Pandey ji ji, Bobby Kumar ji, Rosa Rago ji, Bernard von Spike ji, and Abhishek Srivastava ji, Giri Savasthi, Amare Patrakar sahab, and Jameen Bachesh ji, Ella Napirokowski, which is like Russian name, and Natasha Hiles Pasco. I'm sorry, my English listeners. This is English show, so sometimes I speak Hindi and English all mixed. So I'm really sorry. And same time, I salute you that you join. And Iman Jalili Sahab, thank you. And Martin Lopez, my dear friend. And Neera Singh,
my friend and a great man, great association for a long time from Bangalore days. So thank you very much for joining. Vik Sharma ji and Pauria, Rahmirat ji and Manoj Shukla ji, Indriji Dhada ji, Atul Mishra ji, Rose Rishaji ji, Mahona Sarkar ji, Mandeep Chota ji, Girish Moda ji, Atul Mishra ji, Teresa Atkin ji, Prem Prakash ji, Manoj Nayak ji, Naveen Anand ji, and Farjane Devaudi ji. I think today's presence was, the attendance was the maximum. Lagta dheere dheere mujhe band karna padega, kyunki bahut bolna padega. Khushi hoti hai ki audienceship bad rahi hai. To doston, bahut bahut achha laga. Ab jaunga to bed mein late ke 10 minute sirf aap logon ke bare mein sochta rahunga ki kya kya bola, kaise kaise logon ne join kiya. To I salute you, thank you very much. Aur aap se main request karna chahunga ki isko jitna se zyada aap share karein. Aap jayein aapke Facebook mein, share ka button click karein, aur jisko bhi share karna hai group mein ya dost ko, wahan pe share karein. To kya hoga ki ye cheez aap dusre logon se share karenge to mujhe bahut acha lagega. Aapko, aap jisse bhi care karte hain usko share kare, mera bhi viewership badhegi, log janenge, sab log apne naam ke liye marte hain. Dosto, na main koi isme bechta hu na kuch nahi, aapki seva mein hu aur aata hu. To aapse mujhe yahi help hai aur request hai ki aap please isko share kare to dusre logon ke thoda sa vichar badle, aur mere ko bada acha lagega agar apne agar points aap type karenge, batayenge ki ye cheez Rakesh ji achhi hai, ye cheez achhi nahi lagi, aur to main kya bataun. Kabhi koi dosto kya lagta hai कि हमें बताया गया कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, एक हंसने वाली बात भी सीरियस बात भी है, बोलते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं भगवान का रूप होते हैं. तो कभी-कभी मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं कि हमारे पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम भी तो पेरेंट्स हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं. तो हमारे पेरेंट्स भी भगवान हैं तो हम भी भगवान हैं. तो अगर हमारे हिंदी माइथोलॉजी में देखा जाए, हिंदू माइथोलॉजी में, तो हमारे जो शंकर पार्वती थे और उनके बच्चे कृष्ण जी थे, तो कृष्ण उनके बच्चे हैं लेकिन उनकी पूजा होती है. तो हमारे, अगर उस तरीके से देखा जाए, तो हमारे बच्चे जो हैं, यू नो, दे हैव बेटर पोजीशनिंग देन पेरेंट्स. दोस्तों सीरियसली मत ले लीजिएगा, एक अपने छितूर चलता रहता है दिमाग में कि बोलते हैं कि भगवान, हमारे पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं. तो हम भी जब पेरेंट्स जो आते हैं, इसका मतलब हमें भी भगवान का दर्जा मिल जाता है. तो कहने का मतलब है कि हम सब लोग एक हैं, केवल विचारों में सहमति होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं, लॉजिकल वे से, रैशनल वे से. या तो दोस्तों आज बहुत मजा आया आपकी अटेंडेंस देख करके, दिल बहुत गदगद हो गया. और हम लास्ट में हमारे गौरव शर्मा जी ने ज्वाइन किया, सबसे हमारी फिर से विनती है, प्लीज प्लीज शेयर दिस ऑडियो ऑन योर फेसबुक, जहाँ पे भी गए. मैं भी क्या करता हूँ, इसको तुरंत जैसे ख़त्म होता है मैं खुद शेयर करता हूँ कुछ ग्रुप्स में, और इसका तुरंत मैं ऑडियो, सॉरी वीडियो एक्सट्रैक्ट करके इसको यूट्यूब चैनल में डाल के, और उसकी लिंक मैं पोस्ट में डाल देता हूँ, जिसमें हमारे सारे पास्ट जितने भी प्रोग्राम्स एपिसोड हैं उसमें सारे लिस्टेड हैं. तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा, आप मेरी, मैं हमेशा एड्रेस करता हूँ, डियर फेसबुक एक्सटेंडेड फैमिली, आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो. हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे हिंदुस्तान में बताया गया है संस्कृत में दो वर्ड्स में, वसुधैव कुटुंबकम, सुना था, लेकिन आज फेसबुक और सोशल मीडिया ने वो वसुधैव कुटुंबकम को कितना शास्त्रार्थ कर दिया है, और मज़ा आता है. और चलिए जाते जाते हमारी बबिता मौसी दिल्ली से ज्वाइन कर ली. बबिता मौसी के कमेंट चाहूँगा, ये हमारे बबिता मौसी ऑल इंडिया रेडियो में, यू नो, पता नहीं क्या, या न्यूज़ पढ़ती हैं और बहुत दिन से हैं, तो शी कैन अंडरस्टैंड बेटर. मैं तो बस खाली अपना रेडियो फेसबुक का यूज़ करता हूँ, जब रेडियो भी नहीं है, फेसबुक का ऑडियो मैं एक बोलने के लिए अच्छा लगता है. इंग्लिश रेडियो, इंग्लिश फेसबुक रेडियो, ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, राकेश मिश्रा, रायबरेली वाले, बड़ा अच्छा लगता है. रायबरेली, रायबरेली को लोग क्यों निंदा जी के नाम से जानते हैं, चलिए हो सकता है कभी राकेश मिश्रा के भी नाम से जानेंगे, जो एक छोटा सा गांव है हमारा जगना खेरा. मुझे गर्व होता है अपने गांव का नाम लेने से. तो उस गांव का मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, श्री शोभालाल मिश्रा और श्रीमती कृष्णा देवी मिश्रा के घर में. वो हमारे मम्मी पापा थे, माता जी हमारी नहीं रही, और वो छोटा सा गांव जगना खेरा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदुस्तान में. सल्यूट करता हूँ अपने हिंदुस्तान को, अपने गांव को, अपने जिले को और अपने प्रांत को, आप सब दोस्तों को. सो सल्यूट यू एंड सी यू वंस अगेन. क्विक रैप अप दोस्तों, आज का टॉपिक था आवर पेरेंट्स कैन बिकम मेजर ऑब्स्टिकल्स इन देयर चिल्ड्रंस सक्सेस. तो उसका आज टॉपिक था, मैंने सोल्यूशन भी बताया और मैंने ये रीजन भी बताया कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया. तो इसको जरूर सुने और अपने विचार लिखें. इन्हीं शब्दों के साथ, सुबह उठना भी है
और अब आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा इस वादे के साथ कि आपका ये दोस्त राकेश मिश्रा फिर आपको अगले मंडे इंडियन टाइम 8 बजे सुबह फिर आपसे मुखातिब होगा किसी अच्छे टॉपिक के साथ. और यू आर फ्री टू प्रोवाइड योर टॉपिक, आई विल ट्राई टू एड दैट. हमारे एक शहबाज साहब हैं, वो हमारे अलीगढ़ से हैं, उन्होंने एक टॉपिक दिया था कि यू नो एज के साथ आदमी के अंदर जो है बहुत सारी क्या कहते हैं कि एक आई एम नॉट गेटिंग क्लियरली, आई विल रीड इट. तो उन्होंने एक आइडिया दिया था, प्रॉब्ली आई विल इंक्लूड दैट इन वन ऑफ माई एपिसोड. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच. प्लीज शेयर ऑन योर फेसबुक वॉल और वेर एवर यू कैन, दैट्स द हेल्प यू कैन गिव इट टू मी. सो बाय बाय. सो आवर लास्ट इज हमारी बबता शर्मा जी, बबता मौसी जी, और हमारे जो फर्स्ट थे वो हमारे थे सनी वर्मा साहब. सो थैंक यू वेरी मच एंड इन बिटवीन ऑल द पीपल आई सल्यूट यू एंड सी यू नेक्स्ट मंडे. आपका दोस्त राकेश मिश्रा आपसे इजाजत लेता है इस वादे के साथ कि अगले मंडे को हम फिर आपसे इंडियन टाइम 8 बजे सुबह मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ. बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, गुड मॉर्निंग, वेयर एवर यू आर.